नमस्कार एन क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर एल कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इसके पार्ट वन में इसकी पहली क्लास में हमने एल और कीटोन के नॉर्मन के बारे में जाना उसके हमने फॉर्मूला के बारे में जाना हमने ये सीखा कि कार्बोनाइल कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आवश्यक रूप से और दूसरे कोई भी समूह हो सकता है एल्काइल अथवा एराइल तो वो एल्डिहाइड कहलाता है यदि दोनों एल्काइल और एलाइल ग्रुप जुड़े हुए हों कार्बोनिल समूह से तो वो कीटोन कहलाता है यदि एक तरफ ओ OH ग्रुप जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके साथ हमने यह भी जाना कि ओ OH समूह के स्थान पर यदि सी एल टू या ओ आता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव कहलाते हैं फिर हमने उसके बाद पिछली क्लास में ये जाना था कि एल और कीटोन की नॉमन क्या है इनका नामकरण किस प्रकार से दिया गया है हमने देखा था कि एल के सफिक्स के रूप में हम एल लगाते हैं और कीटोनों में सफिक्स के रूप में ओन लगाते हैं फिर हमने एल और कीटोन की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी थी ऐसी विधियाँ देखी थी जिनसे कि एल और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं फिर हमने कुछ विधियाँ ऐसी भी देखी जिनसे केवल एल बनाए जा सकते हैं और कुछ विधियाँ ऐसी देखी जिनसे कीटोन बनाए जा सकते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एलडियाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं भौतिक गुण क्या हैं हमें ये सीखना है इसके अलावा इसकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं किस प्रकार की ये रिएक्शन दिखाते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है और कुछ हमें नेम रिएक्शंस के बारे में भी इसमें विस्तार से हमें पढ़ना है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इन रिएक्शंस को देखते समय आप इसकी क्रियाविधि को ध्यान से देखें कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की है इसमें स्लो स्टेप में किसका एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है कौन सा सॉल्वेंट काम आ रहा है इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहा है लिविंग स्पीसीज क्या है क्योंकि ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछते हैं तो इन रिएक्शन को देखते समय समझते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि तो यहाँ पर रिएजेंट कौन सा है इंटरमीडिएट क्या बन रहा है लिविंग स्पीसीज़ क्या है अटैकिंग स्पीसीज़ क्या है किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है कौन से प्रकार की ये अभिक्रिया है इसको हमें बहुत गहराई से ध्यान से समझने की ज़रूरत है भौतिक गुण रूम टेम्परेचर पर मिथेनेल गैस के रूप में होती है यानी कि एच सी एच ओ रूम टेम्परेचर पर एक गैस है एथेनेल एक वाष्पशील द्रव है और अन्य एलडीआई डरक्यूटोन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं यहाँ बात समझने की कोशिश करो देखो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाता है अणु भार बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कोई भी पदार्थ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं मिथेनल एक गैस है जो हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं वो कैसा है कि वाष्पशील द्रव है यानी कि वो बहुत जल्दी वोलेटाइल हो जाता है लिक्विड है और जैसे जैसे इसका मोलिकुलर वेट बढ़ता चला जाएगा प्रोपेनेल ब्यूटेनेल पेंटेनेल तक जाए जैसे जैसे, जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा और बाद में जाकर ये सॉलिड हो जाते हैं कीटोन की बात करें तो सबसे पहला जो कीटोन है वो है प्रोपेन कम से कम तीन कार्बन चाहिए प्रोपेनोन एक लिक्विड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं यानी कि मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होता चला जाता है ये इनकी जो वोलेटिलिटी है वो कम होती जाती है इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं और अंत में जाकर या, या बहुत अधिक जो अनुभार वाले एलडीआइड और कीटोन होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं एलडियाइड और कीटोनों के क्वनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं यह एल्डियाइट तथा कीटोन में डाइपोल मोमेंट के कारण जो एक वीक इंटरेक्शन बनता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अणु और अणु के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है उसके कारण से है जैसे तो हाइड्रोकार्बन तो में मोलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना अधिक नहीं होगा वांडरबाल बॉन्ड उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने कि इसमें होते हैं क्यों क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है और डाइपोल क्रिएट हो जाने के कारण से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण से दो मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन के कारण से इनमें जो मॉलिकुलर फोर्सेज हैं वो हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में बढ़ जाते हैं यानी कि मोलिकुलर एसोसिएशन बढ़ जाता है उसके कारण से एल डियाड और कीटोन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग उसी अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में अधिक हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे किस कारण से होते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य जैसे मिथेनाल एथेनाल और प्रोपेनाल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इस कारण से ये जल में घुल जाते हैं यहाँ आप समझने की कोशिश करें देखें कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसमें देखिए कार्बन ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उक्सी, ऑक्सीजन क्या हो गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया दूसरा मॉलिक्यूल इस पैसे जुड़ गया तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं यह आप जानते हैं आप पढ़कर आए हैं जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो सॉलेबल हो जाएगा वैसे हम क्या पढ़ते थे हम पढ़ते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉलमेंट में सॉलेबल होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉलेबल या पोलर सॉलमेंट में सॉलेबल होते हैं लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बाद भी वाटर सॉलेबल है क्यों है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी है जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी वाटर में सॉलेबिलिटी कम होती चली जाती है क्यों क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है उसमें तो पोलियरिटी है नहीं तो जितनी पोलरिटी कम होती जाएगी पूरे मॉलिक्यूल में उसके कारण से इसकी वाटर सॉलिबिलिटी कम होती चली जाती है तो जो इनिशियल मेंबर्स हैं जैसे मेथेनल एथेनल प्रोपिन हम इसकी बात कर रहे हैं वो तो वाटर सॉलेबल होते हैं जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप या रेल ग्रुप बढ़ता चला जाता है इनकी वाटर सॉलिबिलिटी तेज़ी से घटती जाती है सभी एल्डिहाइड और कीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन ईथर मेथेनॉल क्लोरोफॉर्म में आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि हमने कहा था लाइक डिजोल्स लाइक का सिद्धांत है समान समान को घूलता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर बैंजीन मेथेनॉल क्लोरोफाम इनमें सॉलेबल हो जाएंगे ये जो लोअर एलडीहाइड्स हैं इनमें बहुत इरीटेटिंग स्मेल होती है तीक्ष्ण गंध होती है आप अगर देखें एस्ट एल्डीहाइड में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है यह भी आपको पता होगा ये जो मेथेनॉल है इसका जब हम फोर्टी परसेंट एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं जिसको फॉर्मेलिल कहते हैं फॉर्मेलिन तो फॉर्मेलिन भी जो छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेते हैं बहुत इरीटेटिंग स्मेल होती है इसमें कीटोन में नहीं होती जैसे अपन एसीटोन की बात करें तो एसीटोन जो सबसे पहला मेंबर है उसमें इरीटेटिंग स्मेल नहीं है वो नेल पॉलिश रिमूवर के जो रूप में काम आ रहा है ना वो एसीटोन ही है तो उसमें इरीटेटिंग स्मेल नहीं है जो कि एल्डिहाइड्स हैं उनमें एक बहुत तीक्ष्ण गंध होती है जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता चला जाता है इसकी जो स्मेल की तीक्ष्णता है वो क्या होती है कम होती चली जाती है बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है सुगंध में बढ़ती चली जाती है प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डियाइड और कीटोन का उपयोग एक फ्रेग्रेंस के रूप में सुगंध के रूप में और सुरुचि कर्मकों में सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है अब इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के एस पी टू संकृत कक्षकों के तल के लंबवत होती है यहाँ आप इस बात को देखो को समझने की कोशिश करो हमने पिछली क्लास में क्या कहा था कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्शियली और ऑक्सीजन हो गया पार्शली निगेटिव चार्ज अब यहाँ समझें देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो किसके पास आएगा क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है उसके पास आएगा और न्यूक्लियोफाइल किसके, किसके पास आएगा कार्बन के पास अब और इस बात को गहराई से समझो अब बात ही आती है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या पहले न्यूक्लियो जुड़ेगा तो यहाँ ध्यान रखें पहले यहाँ पर न्यूक्लियो जुड़ता है न्यूक्लियो क्यों जुड़ता है उसको समझें न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा कार्बन से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो पहले न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर जुड़ जाएगा न्यूक्लियो आएगा कार्बन पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा निगेटिवली चार्ज या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किस पर जुड़ेगा कार्बन पर तो ऐसे समय में जो इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल और ओ नेगेटिव ये कंपेरेटिवली स्टेबल होगा बजाय कि पहले मानो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए किस पर ऑक्सीजन पर और कार्बन रह जाए पॉजिटिवली चार्ज तो क्या होगा कार्बन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ पासन में रही कार्बन के केवल छह इलेक्ट्रॉन रह गए जबकि तो इससे पहले जो इंटरमीडिएट बना था उसमें कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट था और ऑक्सीजन पर भी निगेटिव चार्ज होने के कारण से उसका ऑक्टेट कंप्लीट था तो यदि न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है तो उससे बना हुआ इंटरमीडिएट ज्यादा स्थायी होता है बजाय कि पहले ऑक्सीजन के जुड़ने से ये बात समझ में आ गई अब दूसरी बात समझें कि चूंकि पहला स्टेप स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप रिडिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें चूंकि न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं मैं आपको यह समझाना चाह रहा था इसमें हालांकि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन हो रहा है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी हो रहा है लेकिन इसके बाद भी इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों कह रहे हैं क्योंकि पहला स्टेप स्लो स्टेप और उसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के कारण से एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है कंपरेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है इस कारण से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं

इसमें जैसे ही न्यूक्लियोफाइल किस पर एड होगा कार्बन पर कार्बन कैसा जो पार्शियली पॉजिटिव है आप पहले वाले फिगर को पहले ध्यान से देखें तो क्या होगा कि इसमें कार्बन की जो स्थिति है अब वो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू से एस पी थ्री हो रहा है आप बीच वाली स्थिति पर जाएं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एस पी टू से एस पी थ्री आ रहा है कार्बन यहाँ इसे एस पी टू कार्बन हो जाने पर यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है इसको देखा आप ध्यान से यहाँ पर था ये कार्बन डबल ऑक्सीजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इस पर न्यूक्लियोफाइल का ऐड हुआ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए ऑक्सीजन की तरफ तो ये जो स्थिति बनी अब ये टेट्राइडल बन गई तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो टेट्राइडल बन रहा है तो इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये जो कार्बन है और इस कार्बन की यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है यदि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन पर जुड़ जाता तो ये कार्बन पर यहाँ पर जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ये स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता अब सेकेंड स्टेप में जो फास्ट स्टेप है मैंने कहा था ना पहला स्टेप स्लो स्टेप दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप इस फास्ट स्टेप में यहाँ पर इस फास्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ कि एच पॉजिटिव जो बच गया था या जो बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर ऐड हो जाता है और इस प्रकार से एडिशन कंपाउंड बन जाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉनिक तथा स्टेरिक प्रभाव के कारण से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एलडीआईड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं अब यह बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज्यादा दिखाएगा या कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा तो एलडियाइड कीटोनों की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जैसे एच का योग एलडियाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के योग से साइनोहाइड्रेन बनाते हैं अब इसको समझो देखो एच किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ये हम कह रहे हैं ओ एच की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया है सी में और एच में पहला स्टेप समझ में आ गया सी एन माइनस कैसा काम कर रहा है न्यूक्लियो फाइल का काम कर रहा है किस पर जाकर जुड़ेगा कार्बन एटम पर क्यों जुड़ेगा क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सी एन माइनस इस कार्बन पर जाकर ऐड हो गया ठीक है और स्थिति हमारे पास में ये आ गई सी एन माइनस और ये जो ऑक्सीजन था ये इलेक्ट्रॉन ले ले जाने के कारण से ये यह ओर में कन्वर्ट हो गया तो एक इंटरमीडिएट बना वो कैसा बना टेट्रेडल इंटरमीडिएट बन जाता है जिसमें सी एन जुड़ा हुआ है और बाद में ये जो एच पॉजिटिव जुड़ेगा इससे और एच पॉजिटिव क्या बना देगा ये साइनोहाइड्रिन बना देता है तो जब कभी भी एस सी एन का योग कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में तो क्या बनते हैं साइनोहाइड्रिन बन जाते हैं और का उपयोग संश्लेषित इंटरमीडिएट के रूप में या सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में होता है हा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग एल डी आई डॉट प्यूट पर एन ए एच सी की अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है एक बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है यहाँ बात को समझें देखो ये जो एन है ये पहले किस में कन्वर्ट होगा एन और एच एस निगेटिव में बहुत ध्यान से बात समझना एन ए प्लस और एच एस ओ थ्री निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ये जो एन ए प्लस और एच एस ओ थ्री निगेटिव में भी वापस से एच एस ओ थ्री निगेटिव आएगा ये कन्वर्ट होगा एच प्लस में और एस ओ थ्री टू निगेटिव में समझ रहे हैं पहले एन ए प्लस और एच एस ओ थ्री निगेटिव उसके बाद एच एस ओ थ्री निगेटिव कन्वर्ट हुआ एच प्लस और एस ओ थ्री निगेटिव में अब ये जो एस ओ थ्री निगेटिव है इसको समझें एस इसमें तीन ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज तीन ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होने के बाद भी जो कार्बन पर जुड़ रहा है वो सल्फर एटम जुड़ रहा है कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है यहाँ ध्यान से देखें ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है पार्शियली निगेटिव पारशियली निगेटिव पारशियली निगेटिव तो जुड़ना कौन सा चाहिए था ऑक्सीजन जुड़ कौन रहा है यहाँ पर सल्फर सल्फर क्यों जुड़ रहा है कार्बन से यहां इसको गहराई समझना है क्योंकि सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है बहुत ध्यान से बात समझें सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है क्योंकि सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है इस कारण से कार्बन से कौन जुड़ेगा एसोथ्री निगेटिव जुड़ेगा तो सबसे पहले ये सी डबल बॉन्ड हो में से ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव इसके पास कौन आएगा एस ओ थ्री टू नेगेटिव तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एस ओ थ्री निगेटिव में और कार्बन से जुड़ जाएगा अब इसके पास एच पॉजिटिव और बचा हुआ ये एन ए पॉजिटिव जुड़ जाता है और क्या बन जाता है एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है एल्कोहलों का संयोजन जब कभी भी एल डी आइड से एल्कोहल का हम योग कराते हैं तो ये क्या होता है एक पहले इंटरमीडिएट बनता है जिसे कहते हैं हेमी है, एसिटल और हेमी एसीटेल बाद में एसीटेल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार से जब कीटोन पर कराते हैं तो पहले हैमी कीटेल बनता है उसके बाद फिर वो कीटेल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ देखें आप एल में एल्कोल का योग कराओ ठीक है तो यहाँ क्या होगा एक तो ओ आर आ गया और साथ में कार्बन पर कौन जुड़ गया ओ एच क्योंकि ओ एच निगेटिव आर पॉजिटिव ओ एच कौन पर जाएगा निगेटिव कहाँ जाएगा कार्बन पर तो ये ओ एच आ गया उस पर और ओ आर जो आर ग्रुप है वो चला गया ऑक्सीजन पर तो ये बनता है हेमी मतलब आधा हैमी एसीटेल बनता है और ये जो ओ ग्रुप है वापस से जब इसकी एक और एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे मॉलिक्यूल से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार से कीटोन की रिएक्शन कराइए तो पहले क्या बनेगा हमें हैमी कीटेल बनता है और हेमी कीटेल के बाद में कीटेल बन जाता है ग्लाइकोल से रिएक्शन करा रखी है जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल कीटेल बनता है अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन ये आप ध्यान से समझें देखो अमोनिया के साथ जब कभी रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आप ये मत समझना यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि एल्डियारिया कीटोन की रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ में तो एच टू ओ निकल गया तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन हो रहा है और उसके बाद फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन या अमीन के साथ या हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ या हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजीन या टू फोल्ड डाइनेटो फिनाइल हाइड्रोजीन किसी के साथ भी रिएक्शन कराएं है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही लेकिन बाद में वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पर हमें इमीन मिलती है जब कभी हम इमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनती है सी डबल बॉन्ड एन जिसको हम कहते हैं शिप बेस भी कहते हैं हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ऑक्जाइम्स बनते हैं जब कभी सी डबल बॉन्ड एन ओ एच होता है तो उसको ऑक्साइम्स कहलाते हैं ऑक्साइम्स तो बनते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पर हाइड्राजोन बनते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन हुआ फेनिल हाइड्राजोन बनते हैं इसी प्रकार से टू फोल डायनाइट्रो फेनिल के साथ रिएक्शन कराने पर टू फोल डाइनाइट्रो फेनिल बनते हैं सेमी कार्बाजाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेमी कार्बाइजोन ये बनेंगे मैकेनिज्म वही है जो हमने एस सी एन के साथ सीखी थी पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जब एडिशन कंपाउंड बन जाएगा फिर उसमें से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है तो अब आपको ना यहाँ ये ध्यान रखना है आपसे एग्जाम में पूछेंगे हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए प्रोपेनोन की रिएक्शन कराइए या एस्टलडियाइड की रिएक्शन कराइए तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजोन बनेंगे पहले एडिशन रिएक्शन दिखाइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसके बाद वाटर का एलिमिनेशन दिखाइए और हाइड्रोजोन बना दीजिए रिडक्शन एल्कोहल का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर कोई भी कैटलिस की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल देते हैं आपको याद होगा मैंने पहली वाली क्लास में कहा था कि जब कभी भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन और कीटोन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं फिर हमने कहा था वाइस वर्सा कार्बनऑक्सी के रिडक्शन पर एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन पर एल्डिहाइड से प्राइमरी एलकोल और कीटोन से सेकेंडरी एलकोल बनते हैं अब जो मैं कह रहा था कि एग्जाम में पूछेंगे क्या पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ आप बात ध्यान से समझिए देखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से है। दोनों के साथ में रिड्यूस होकर क्रमशः प्राइमरी एल्कोल और सेकेंडरी एल्कोल देता है यही अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते तो वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन नहीं होता उनका उनके लिए तो हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जरूरत पड़ती तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि एलडीआइड और कीटोन के लिए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन हो जाता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन हो जाता है और एलडियाइड से प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं यहाँ समझें देखो रिडक्शन ये भी है लेकिन यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप सीधा सीधा एल्काइल ग्रुप में यानी कि सी एच टू में कन्वर्ट हो रहा है जिंक मरकरी एस सी एल जब कभी भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन एल डी आइड अथवा कीटोन जिसको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं इसकी रिएक्शन हम जिंक मरकरी एस सी एल से कराएंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार के रिडक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं बहुत आता है एग्जाम में ध्यान से समझ लें पूछेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है या क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है या क्लीमेंसन रिडक्शन कराने पर प्रोपेनोन से क्या बनेगा तो आप कहोगे प्रोपेन बनेगा सी तो एस थ्री सी ओ सी एस थ्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री में तो हमें यह ध्यान रखना है यहाँ पर कीटोन या एल डी आइड रिडक्शन पर एल्कोहल नहीं देते बल्कि किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रकार के रिडक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं और यह भी ध्यान रखना पूछें रिडक्शन में क्या काम में लेते हैं तो हमें याद रखना होगा कि जिंक मरकर एसियल यहां क्लीमेंसन रिडक्शन में काम में लिया जाता है एक इसी प्रकार का और रिडक्शन है इसको वुल्फ कृष्ण रिडक्शन कहते हैं जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट बन रहा है इमीन आप ध्यान से देखें और फिर इसका के ओ एच और इथालीन ग्लाइकॉल इसके साथ में जब हम करा रहे हैं रिएक्शन तो ये क्या बन रहा है एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां भी एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट होता है लेकिन इसमें पहले हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा रहे हैं और हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने पर फिर के एच और इथिलीन ग्लाइकोल से करा रहे हैं एक और बात यहाँ ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर इससे है ना थोड़ा प्रोडक्ट यील्ड है वो कम होती है अगर हम केवल क्या लेते हैं हाइड्रोजीन लेते हैं फिर इसका एडोलाइसिस करा देते हाइड्रो हाइड्रोजीन लेकर क्या कराते है? हम इसका एडोलाइसिस करा देते तो प्रोडक्ट की यील्ड कम प्राप्त होती लेकिन के और इथिलीन ग्लाइकोल मिलाने से इसका प्रोडक्ट की ईल्ड बढ़ जाती है इसको वॉन्ग मिलोन मॉडिफिकेशन मौडि, भी कहते हैं तो इससे प्रोडक्ट यानी कि एल्केन की ईल्ड इनक्रीज़ हो जाती है ऑक्सीडेशन बात हम पहले कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर क्या होगा कि एल्डियाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है यहाँ आप बात को ध्यान से समझो कि ये जो एल्डियाइड्स हैं इनका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है आसानी का मतलब क्या कि यहां हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी स्ट्रोंग से तो हो ही जाएंगे लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन यदि कीटोन होता उसकी जगह तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित नहीं होते हैं तो एलडीआईड सामान्य ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रिक नाइटिकम पोटेशियम परमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं कीटोन भी देते हैं लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट ये केवल एलडीआईड को ऑक्सीकृत करते हैं अब यहाँ कैसे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ये आता है कि किस अभिक्रिया के द्वारा आप एल और कीटोन में विभेद करोगे आई विल यू डिस्टिंग एल डी आइड एड कीटोन तो आप लिख दोगे उसमें कि एलडियाइड की जब से रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सिल्वर मिरर बनता है रजत दर्पण बनता है तो एलडीहाइड तो कार्बोक्सिल के का अमले में परिवर्तित हो जाएंगे से रिएजेंट डालने पर इसमें हमें टेस्ट आएगा और सिल्वर मिरर बन जाएगा इसकी जगह यदि कीटोन होगा तो वो से रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा तो हम से रिएजेंट की सहायता से या फेलिंग सॉल्यूशन की सहायता से हम एल और कीटोन में विभेद या डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं कि एल तो ये रिएक्शन देते हैं कीटोन नहीं देते या हम क्या वे पदार्थ जो टोलन अभिकर्मक के साथ में टोलनस रेजेंट के साथ में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन पर सिल्वर मिरर बनाता है वे एल होंगे जो सिल्वर मिरर जो कार्बोनिल कंपाउंड जो सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा वो क्या होंगे वो कीटोन होंगे कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में कराते हैं या इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फ्यूजन होता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसका फिशन हो जाता है ये टूट जाता है और जिससे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है यह आप समझने की कोशिश करो देखो जैसे ये कीटोन है अब इसका टोलेंस रीजन से तो ऑक्सीजन होगा नहीं फेलिंग से भी नहीं होगा हमें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहाँ ये जो कार्बोनाइल कार्बन है और एक जो साइड में कार्बन लगा हुआ है इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड इसका टूट जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने के बाद में ये किस्में कार् दोनों ही किस में कन्वर्ट जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे तो C1 C2 विदलन के कारण से C1 और C2 का यदि यह बॉन्ड टूटता है तो तो ये क्या बनेगा आर सी डबलू एच आर डेस सी एस टू सी डब्ल्यू एच और यदि सी टू सी थ्री के बीच टूटता है तो आर सी एस टू सी डब्ल्यू एच आर सी आर डैस सी डब्ल्यू एच बनेगा यह एक और बात समझो देखो इसमें पोपॉप्स रूल भी रखता है ये जो आपको कीटोन दिखाई दे रहा है ना ये तो एक सिमेट्रिक कीटोन है सिमेट्रिक कीटोन क्यों है सिमेट्रिक कीटोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला समान है जब कार्बन की श्रृंखला समान है तो C1 और और के के बीच भी हो सकता है, C2 और C3 के बीच भी भी फिशन फिशन हो हो सकता सकता है, है। लेकिन यदि समान नहीं होती, मान लीजिए पेंटेन टू ओन होता आप तो अब यह निश्चित हो जाता कि यहां पर कार्बन नंबर टू और थ्री के बीच ही टूटेगा क्यों क्योंकि सब उस समय सी डबल बॉन्डो ग्रुप छोटी वाली श्रृंखला के साथ में रहता है यह नियम है तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी एज जो सम्मित कीटोन नहीं है असम्मित कीटोन है उनका यदि हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तो समय पोप ऑफ का नियम काम आता है अगर ब्यूटेन टू ऑन होगा तो आप देखो एक तरफ हो गया सी थ्री एक तरफ हो गया सी टू सी थ्री तो ये जो सी डबल बॉन्ड हो जो टू पर है वो किसके साथ रहेगा वो सी एस थ्री एक वाले के साथ में तो हमें दो मॉलिक्यूल एसिटिक एस, अम्ल का मिलेगा तो हमें यह याद रखना है कि जब कभी भी हम असमित कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें नियम की सहायता से ही कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिशन दिखाना है टोलन सीजन जैसे हमने पहले बात की कि एल्डियाइड को ताजा बल्ले अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जिसको टोलन अभिकर्मक कहते हैं के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलता है सिल्वर मिलर मिरर बनता है तो आर सी एच ओ इसकी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है चारिय माध्यम में रिएक्शन कराएंगे आर सी डबल ओ नेगेटिव मतलब ये कार्बोक्सिल्क का अम्ल में ये जो एल डी आइड है वो कार्बॉक्सिल्क का अम्ल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये जो सिल्वर नाइट्रेट जो कॉम्प्लेक्स था वो किस में सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और यही सिल्वर उस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ उसकी दीवार के अंदर की दीवार की तरफ क्या बनाता है सिल्वर मिरर बनाता है फेलिंग सोलूशन जैसे हमने कहा था केवल एल डी आइड देते हैं और फेलिंग अभिकर्मक दो विलियन फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलकर बना होता है फेलिंग ए में जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जबकि फेलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टॉट्रेट जिसको हम रोशल सॉल्ट भी कहते हैं वो होता है इन दोनों को समान मात्रा में मिला लेते हैं और जब एल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है तो आपसे कहें कि अब आपसे दो टेस्ट बताओ जिसमें एल और कीटोन में विभेद कर सको तो आप पहला बता दोगे आप टोलेंस रेजेंट और दूसरा बता आप फेलिंग सॉल्यूशन से कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है वो तो एलडीआइड है जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है वो कीटोन है तो इस आधार पर हम एलडीआइड और कीटोन में विभेद या डिस्टिंग हम कर सकते हैं एलडीआईड संगत कार्बोक्सिलिक एसिड रेडाइन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं एरोमेटिक एल्डियाइड इस परीक्षण को प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं ये जो रिएक्शन जो दे रहे हैं वो कौन दिखाते हैं एलिफेटिक एल्डीहाइड दिखाते हैं और एलिफेटिक एल्डीहाइड किस में कन्वर्ट होते है? हैं लाल बुरा अवक्षेप किसका मिल रहा है यहाँ पर सी यू टू ओ यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का मिल रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ कॉपर का तो हो रहा है रिडक्शन और एल्डीहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन किस में कार्बोक्सिलेट आयन में जो फाइनली कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है मेथिल कीटोन की हेलोफाम द्वारा ऑक्सीकरण ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा रहता है यानी कि यहाँ पर जो सी डबल बॉन्डो है वो कार्बन नंबर टू पर है एक सी एस थ्री हो गया उसके बाद सी डबल बॉन्डो फिर आगे कुछ भी ग्रुप हो सकता है उसकी यदि हम सोडियम हाइपोहेलाइड द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमें हमें यहाँ पर हेलोफाम प्राप्त होता है हम यह भी कर सकते हैं इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराएं इसमें हम की एच या एन यू एच ले सकते हैं और हमें क्या मिलता है जो मिथाइल समूह है वो हैलोफाम में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ समझाए इस रिएक्शन को तो हमने क्या कहा पहली शर्त ये जरूरी है कि कार्बोनाइल कार्बन से सी एस थ्री जुड़ा होना चाहिए तो ये सी एस थ्री जुड़ा हुआ है अब इसकी हमने रिएक्शन या तो एन यू एच और हम किससे कराएं आई टू के साथ में या ले हम सी एल टू या ले बी आर टू आई टू के साथ लेंगे तो आई फॉर्म बनेगा यदि हम बी के साथ लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा और सी लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो आर सी डब्लू एन ए बन जाएगा प्लस सी एच एक्स थ्री तो सी एच एक्स थ्री में सी एच सी एल थ्री है तो क्लोरोफॉर्म सी एच बी आर थ्री तो ब्रोमोफॉर्म और सी एच आई थ्री है तो ये आइडोफाम बन जाता है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं जिनमें कि कार्बोनिल कार्बन से एल्फा समूह कौन सा जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उससे हमें हेलोफार्म मिल जाता है इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल देख रखा है सोडियम हाइप्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रखी है और उसमें भी हमें इसी प्रकार का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिसमें क्लोरोफॉर्म हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी एग्जाम में काफ़ी आती है इसको आप आसानी से लिख देंगे जो आगे की कक्षाएँ हैं उनमें इसकी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगी कि किस प्रकार से तीन मोल हम काम में लेते हैं हेलोजन के चार मोल लेते हैं एनवेज के काम में ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है एक एक सी एच थ्री का एच किस प्रकार से हटता चला जाता है पहले सी एच टू आई आएगा फिर सी एच आई टू आएगा फिर सी आई थ्री फिर सी आई थ्री निगेटिव बनेगा ऐसे ये जो मैकेनिज्म पूरी है वो आपको आगे की कक्षाओं में आएगी तो इस क्लास में हमने क्या सीखा हमने सीखा इसमें पहले एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा उनके भौतिक गुणों के बारे में जाना कि किस प्रकार से मोलिकुलर वेट बढ़ते जाने पर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते चले जाते हैं हमने यह भी जाना केवल एल की टोन में से केवल मिथेनल ऐसी है जो तो रूम टेम्परेचर पर गैस है बाकी लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन मैकनिजम के बारे में जाना हमने ये जाना कि एल और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं हमने यह भी सीखा जब यह न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है तो हमें एक इंटरमीडिएट बनता है वो टेटरडल स्ट्रक्चर होती है और बाद में जाके वो एडिशन कंपाउंड बनाते हैं हमने एच के साथ इसकी रिएक्शन देखी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देखी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं फिर हमने देखा कि एल्डियाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और रिडक्शन कराने पर यह क्रमशः प्राइमरी एल्कोल और सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ हमने ध्यान से कहा था देखें कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में तो या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काम में लेते हैं हमने यह भी सीखा कि जब एल्डीहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है वहीं जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है क्यों क्योंकि वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिशन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के फिशन के संदर्भ में हमने कीटोन में पो पोपॉप्स रूल को भी हमने सीखा हमने क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में जाना हमने वुल्फ कृष्ण रिडक्शन के बारे में जाना हमने उसके बाद अंत में हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में सीखा अगली क्लास में फिर हम इसकी अन्य रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे धन्यवाद